वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो क्लास सेवेंथ है उसका इंग्लिश का एक चैप्टर। इसका चैप्टर का नाम क्या है? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स या फिर अ गिफ्ट ऑफ स्लीपर्स बोल सकते हैं। अब हम पहले ये जानेंगे कि ये किसने लिखा है। हम यहाँ बात कर देते हैं इनकी ऑथर की। इनकी ऑथर का नाम है वनस्था सूर्य। ओके स्टूडेंट्स, तो वील नो समथिंग मोर अबाउट वनस्था। लेट्स नो अबाउट दी ऑथर। अब वो कौन थी और उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कम्प्लीट की ये जानते हैं। अब हम ये तो जानते ही हैं कि शी वॉज बोर्न इन न्यू डेली इन 1940 बट वेंट आउट टू हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब होता है स्टूडेंट्स जो हायर पढ़ाई होती है, स्कूलिंग होती है, उसके लिए वो कहाँ गई थी? वॉशिंगटन डीसी गई थी और उन्होंने इंडिया वापस आके बॉम्बे में हिस्ट्री पढ़ी थी। नाउ हम इसके आगे जानते हैं शी इज अ वेल नोन पोएट, जर्नलिस्ट, चिल्ड्रंस राइटर एंड ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब वो होता है जो एक व्यक्ति अनुवाद करके आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट प्रेजेंट करे। एंड चिल्ड्रंस राइटर, शी हैज बीन ऑब्जर्विंग डायनामिक कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक चेंजेस। अब इसका क्या मतलब होता है? डायनामिक कल्चरल और लिंग्विस्टिक चेंजेस वो कहाँ नोटिस करिए? इंडिया और स्पेसिफिकली तमिलनाडु। लिंग्विस्टिक चेंजेस से हमारा मतलब है जो लैंग्वेज बेस्ड चेंज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो जिस जिस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं लिखने के तरीके में सोसाइटी में वो नोटिस कर रही हैं। और तमिलनाडु पे उनका बेसिक फोकस है कितने टाइम से? चार डिकेड से, यानी कि पिछले 40 साल से उनका किधर ध्यान है? इन चेंजेस की तरफ, सोशल कल्चरल और लिंग्विस्टिक चेंजेस की तरफ। अब हम इनका फेमस वर्क जान लेंगे। व्हाट्स अ फेमस वर्क? उन्होंने ऐसा कौन सा फेमस वर्क लिखा है? गुरुचिका टर्न्स अप इज द फर्स्ट ऑफ अ मृदु इन मद्रास सीरीज। अब उन्होंने जो मद्रास सीरीज लिखी थी उसमें पहली मृदु कौन सी है? गुरुचिका टर्न्स अप। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना तो था ये हमारी ऑथर के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे पास चैप्टर में क्या है। अब हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, इस चैप्टर में हमारे पास क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। मृदु इज ए यंग ग्रोइंग गर्ल। अब हम देखते हैं यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, मद्रास दैट इज नाउ चेन्नई। हमें मृदु के बारे में बताई जा रही है। स्टोरी किसकी है? मृदु की, जो एक छोटी लड़की है, तापी जिसे वो अपनी दादी बोलती है। यहाँ देखते हैं विद तापी, कहाँ रह रही है वो? मद्रास में विद तापी। तापी कौन होता है? ग्रैंड मदर यानी कि दादी, और ताथा यानी कि उसके जो ग्रैंड फादर थे ताथा, उनको बोल रहे हैं। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू आंट रुकुमी। अब एक दिन क्या होता है, उसकी जो दादी होती है उसे कहाँ ले जाती है? की चाची के घर। क्यों? क्योंकि जो उसके कजन्स है, भाई बहन है, उनसे मिलाने के लिए लेकर के जाती है। ओके, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे स्टोरी शुरू करते हैं हम। अ स्माइलिंग रुकुमनी, पहला पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। तब हमारी स्टोरी है जो कैसे सेट है स्टूडेंट्स, स्टोरी का सेटिंग हमें बताया जा रहा है कि तापी उसे वहां ले जा चुकी है और उन्होंने रुकुमनी ने, उनकी चाची ने क्या किया है? गेट खोला है, थ्रू ओपन द डोर। यहाँ पर पे बोल रहे हैं रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना क्या है? रुकुमनी के बच्चे हैं, जो कि किसके सिबलिंग्स हैं? मृदु के। तो वो भाग जाते हैं और रवि क्या करता है? रवि मृदु को अंदर की तरफ खींचने लगता है। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि मीना क्या बाहर भाग के गए और मीना को अंदर लेकर के खींच के लाने लगे। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मृदु बोलती है रुको, मुझे मेरी चप्पलें तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करना, प्रोटेस्टेड मृदु। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। हमें बता रहे उसने अपनी स्लीपर्स का होता है नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। बाहर पे उसने बड़ी एक बड़ा पेयर था ब्लैक स्लीपर्स का, उसके पास अपनी स्लीपर उतारी। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो कैसे हो गए थे? स्लेटी रंग के हो गए थे। किस चीज से? जो मिट्टी धूल लग जाती है उससे। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. हमें बता रहे हैं जो स्लीपर है उसके फ्रंट पार्ट पे आपको एक एक उंगली के निशान दिख सकते हैं, इतनी वो गंदी हालत में है। The marks for the two big toes were long and scrawny. वो बता रही है उस स्लीपर पे जो मार्क्स थे, अंगूठों के निशान जो थे, वो कैसे थे? लंबे और स्क्रॉनी, यानी कि लंबे और पतले थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये सोचे कि ये किसकी स्लीपर है, राइट? तो हम आगे देखते हैं क्यों नहीं था टाइम। क्योंकि बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैकयार्ड। रवि उसको घर के पीछे वाले आंगन में लेकर के चला गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, कहाँ? एक जो खट्टे बेरों की बुश होती है, झाड़ होती है, उसके पीछे वो
उसको लेकर के गया, रवि उसे मृदु को वहां लेकर गया। अब वो वहां क्या बता रहा है, वहां क्यों लेकर के गया था, देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। यहाँ पे बता रहे उधर एक फुटबॉल थी जो फटी हुई थी जिसमें थोड़ा सा आपने सैंड भर रखा था, ठीक है, वो वहां पड़ी थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, अब उसके अंदर क्या थी, एक छोटी सी बिल्ली थी, यानी कि छोटा बिल्ली का बच्चा था, किटन होता है बिल्ली का बच्चा। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ हाफ कोकोनट शेल, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ हाफ कोकोनट शेल का मतलब है जो कोकोनट की छाल होती है, नारियल की जो छाल होती है उसको उसने आधा कर रखा था, उसमें से वो क्या कर रहा था, किटन, किटन उसमें से दूध पी रहा था, हाफ कोकोनट शेल। अब हम देखते हैं, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, यहाँ पे रवि मीना उसे बता रहे हैं कि हमें ये किटन कहाँ मिली थी, आउटसाइड द गेट, घर के बाहर आज ही हमें मॉर्निंग में मिली थी। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग, यहाँ बता रहे हैं कि वो रो रही थी, किटन जो थी म्यूइंग एंड म्यूइंग मतलब वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सेड मीना इट्स अ सीक्रेट, अब ये बोल रही है कि ये सीक्रेट है, क्यों, क्योंकि अम्मा सेज, इसकी जो मम्मी है रुकुमणि जो है वो बोल रही है कि पाती विल लीव आउट लीव आर होम, ठीक है, अगर पाती को पता चला कि घर में किटन है तो घर छोड़ के मामा के घर चली जाएगी, इफ शी गेट्स टू नो वी हैव अ कैट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने स्टोरी में देखा कि जो रुकुमणि है वो कौन है, मृदु की चाची, तो वो मुस्कुराते हुए क्या करती है, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है, कौन आया होता है उनसे मिलने, रुकुमणि से और उनके बच्चों से मिलने आई होती है तापी और मृदु। अब यहाँ बता रहे हैं उसकी चाची ने बहुत खुशी से दरवाजा खोला जिसपे उनके बच्चे जो थे रवि और मीना वह बाहर भाग गए, बाहर भाग गए किसको लेने के लिए, मृदु को। अब मृदु को जैसे वो अंदर खींच रहे थे तो मृदु ने विरोध किया, रुको मुझे मेरे क्या उतारने दो, मुझे मेरे स्लिपर्स उतारने दो, टेक लेट मी टेक ऑफ माय स्लिपर्स, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं हुआ क्या फिर उसके बाद, पर उसने ना वहां पर पे एक बड़ा सा पेड़ देखा था स्लिपर्स का जो कि ब्लैक कलर की थी, जो कि मिट्टी से ग्रे हो गई थी, राइट, और उसपे आपको टोज के निशान भी दिख रहे थे, पर उसके पास इतना समय नहीं था कि वो इस बारे में सोचे। क्यों नहीं था समय, इसीलिए नहीं था क्योंकि जो रवि और मीना है उसे खींच करके कहाँ ले गए, घर के पीछे वाले आंगन में, अब वहां ले गए तो उसे कहाँ ले गए, उधर भी वो जो खट्टे बेर की झाड़ी थी उसके पीछे वो उसे ले गए। अब वहां पर भी उसने देखी कि एक फुटबॉल पड़ी है जो कटी हुई है और उसमें थोड़ी सी मिट्टी भरी हुई है। फिर हम देखते हैं कि उस फुटबॉल में कौन बैठा है, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा है, एक बिलौटा बैठा है जो कि नारियल से दूध पी रहा है, ठीक है, वो दूध पीने की कोशिश कर रहा है, उसे दूध पी रहा है। तब इस पे हमें रवि और मीना बताते हैं कि ये इनको आज सुबह अपने घर के बाहर मिली थी। ओके स्टूडेंट्स, तो वो मिली थी और ये छुपाए क्यों रखे हैं इसको, क्योंकि अगर पाती को पता चलता है तो पाती घर छोड़ के कहाँ चली जाएगी, मामा के घर चली जाएगी, इसलिए उन्होंने ये सीक्रेट रखा है, ठीक है। अब हम इसके आगे इसके जो वर्ड मीनिंग है उस पर ध्यान दे देते हैं। स्टूडेंट्स पुल्ड इनटू का वर्ड का यूजेज का हुआ है पैसेज में, पुल्ड इनटू, रवि पुल्ड इनटू, खींच करके अंदर ले गया किसको, मृदु को, रवि पुल्ड मृदु इनसाइड द हाउस, तो खींच करके अंदर ले जाना, पुल्ड इनटू। प्रोटेस्टेड, अब प्रोटेस्टेड का हमने कहा यूज देखा था स्टूडेंट्स, विरोध किसने किया था, किस चीज का, मृदु ने विरोध किया था ये बोलते हुए कि मुझे मेरी चप्पल उतारने दो, मृदु प्रोटेस्टेड यानी कि विरोध करते हैं उसे हम प्रोटेस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्चुअली, एक्चुअली का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो वास्तव में है उसे हम एक्चुअली बोल के डिनोट करते हैं। टो का मीनिंग होता है जो पैर की उंगली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड वंडर, वंडर मीन्स किसी चीज को लेकर के हैरान हो जाना या फिर सोच में गहरी सोच में पड़ जाना, मीन्स वंडर। बिटरबेरी बुश ये मीन्स कड़वा, जो कड़वे होते हैं, बिटर का तो मीनिंग होता है कड़वा, बेरी होता है हमारे बेर, हमने देखी थी यहाँ कड़वे बेर की जो झाड़ी थी उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। फिर लिखते हैं भूज, भूज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसकी। नेक्स्ट वी सी सैंड, अब हमने देखा सैंड का यूज कहाँ होता है, सैंड का भरी हुई थी उस फुटबॉल के अंदर, तो सैंड का यूज यहाँ हुआ है, रेत उसे बोलते हैं हम। ड्रैग मतलब खींच करके ले जाना, रवि और मीना मृदु को ड्रैग करते हुए लेकर के गए। थ्री ओपन का मीनिंग है स्टूडेंट्स एकदम फेंकते हुए या फिर तेजी से किसी चीज को खोलते हैं तो अपन बोलते हैं थ्री ओपन। रुकुमणि ने कैसे गेट खोला था, रुकुमणि थ्री ओपन द गेट यानी कि तेजी से या फिर फेंकते हुए उसने गेट खोला था।
ओके नेक्स्ट वी सी म्यूइंग। म्यूइंग का मतलब क्या होता है? जो बिल्ली आवाज बनाती है ना म्याऊं म्याऊं करके, उसे हम म्यूइंग बोलते हैं। रश्ड आउट का मतलब है दौड़ के बाहर चले जाना। बैकयार्ड का मतलब है पीछे वाला जो आंगन होता है घर में, उसको हम क्या बोलते हैं? बैकयार्ड। अब हम स्क्रॉनी का मतलब देखते हैं। स्क्रॉनी वो फिंगर टिप्स कैसी थी जो जूते पे निशान थे? स्क्रॉनी यानी कि दुबली पतली। बिहाइंड का मीनिंग होता है किसी चीज के पीछे। नेक्स्ट वी सी टॉर्न। टॉर्न ऐसी कोई भी चीज होती है जो फटी हुई होती है। हमने देखा था जो फुटबॉल थी इट वॉज टॉर्न यानी कि फटी हुई थी। सैकिंग का मतलब होता है किसी चीज में भर देना, ठीक है। नेक्स्ट वी सी लैपिंग अप। लैपिंग मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे अपन ने देखा कहीं पर डॉग्स कैसे मिल्क पीते हैं लैप करके जीप से, उसे हम बोलते हैं लैपिंग अप, राइट। तो अब हम नेक्स्ट इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। हु ड्रैग्ड मृदू टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश? रवि, हमने देखा था रवि ने उसको ड्रैग किया था कहां पर पे? उस कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स रिमूव। रिमूव क्या करनी थी? रिमूव करनी थी उसको अपनी स्लिपर्स मृदु को, तो उसने क्या बोला था? लेट मी टेक ऑफ माई स्लिपर, ये नहीं बोला था रिमूव, तो इसका हो गया टेक ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वी सी हु ओपन द डोर। किसने खोला था? हम वापस से देख लेते किसने खोला था डोर। हम यहाँ देखेंगे डोर खोला था रुकुमनी ने, राइट। रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, तो हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं। रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर डिड मृदु सेट आउट हर स्लीपर्स। अब मृदु ने अपनी स्लीपर्स कहाँ उतारी थी? आउटसाइड द हाउस नियर द ब्लैक वंस, ठीक है, ब्लैक वाली के पास में उसने रख दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है? People are always telling us to be kind. ये कौन बोल रहा है? रवि बात कर रहा है मृदु से। People are always telling us to be kind to animals. बोल रहा है लोग हमें बोलते हैं कि हमेशा animals के प्रति कैसे रहो, दयालु रहो, जानवरों के प्रति दयालु रहो। But when we are, पर जब हम होते हैं, they scream, वो चिल्लाते हैं। यहाँ पे वो पाती की बात कर रहा है बेसिकली, कि वो तो लोग तो हमेशा बोलते हैं कि जानवरों से अच्छा व्यवहार करो, पर अगर हम करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है ये। Oh, don't bring that dirty creature here. कैसे बोलते हैं लोग उस छोटे से गंदे से प्राणी को यहाँ मत लाओ? पहले तो बोलते हैं दयालु हो जाओ फिर ऐसा बर्ताव करते हैं, said रवि। अब रवि बता रहा है, do you know how hard it is to just to get a little milk from the kitchen? तुम्हें पता है किचन से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है? पाती saw me with a glass in my hand. पाती ने मुझे मेरे हाथ में एक ग्लास के साथ देख लिया था। पाती saw me with a glass in my hand just now. अभी I told her I am very hungry. अब वो बोल रहे रवि, मैंने पाती को ये बोला कि मुझे बहुत भूख लगी। I told her I am very hungry. मेरे को पीना है इसको, दूध जो है मेरे लिए, I want to drink it. But the way she looked at me, से मतलब है कि पाती को शक होने लग गया था। I had to drink most of it to throw her off the scent का मतलब है उनका शक दूर करने के लिए मैंने क्या किया, जो दूध लाया था मैं ग्लास में मैंने ही पी लिया ज्यादा। फिर वो बोली कि दैट शी वांटेड द टम्बलर बैक। रवि बोल रहा है फिर उनको जो बर्तन था, जो ग्लास था, टम्बलर था, वो वापस चाहिए था जिसमें दूध था। पाती पाती आई वॉश इट मायसेल्फ। अब वो पाती यानी कि उनको उसकी दादी को बोल रहा है कि पाती मैं इसे खुद धो दूंगा, आप मत लो मुझसे ये टम्बलर। व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, तुम मेरी वजह से क्यों परेशान हो रही हो, मैं कर लूंगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। अब हमने देखा उसने पूरा नहीं पिया था, कुछ बचाया था किसके लिए? बिल्ली के लिए। उसको उस कोकोनट शेल यानी कि जो नारियल पड़ा था आधा कटा हुआ उसमें उसे डालना था। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और फिर वापस आकर के भाग करके मुझे क्या वो ग्लास जो है वो बर्तन जो है वह धोना पड़ता है। ओके तो अब हमें यहाँ पे ये भी बता रहे हैं आगे, देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। आई टोल्ड हर I had to run and pour this milk in the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she really gets thirsty. अब उसने पाती को तो ये बोल दिया कि मैं दो दूंगा,
तो उसको जल्दी से पहले उस शेल में दूध खाली करके फिर धोना होगा, इससे पहले कि सस्पिशियस यानी कि उनको शक ना हो जाए किसको, वो पाती को। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब इस पे रवि बोल रहा है कि हमें अब कोई और तरीका ढूंढना होगा टू फीड यानी कि किसको भोजन कराने का, जो कैट है जिसका उसने नाम क्या रखा है, महेंद्र। अब यहाँ पर पे जो मृदु है वो ऐसे शॉक में होके अमेज होके पूछ रही है, महेंद्र तुमने इस इतनी सी बिल्ली का नाम महेंद्र रखा है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। मृदु इम्प्रेस्ड क्यों थी, मृदु को ये चीज बहुत ही आश्चर्यजनक लगी क्योंकि उसने सोचा नहीं था ये कैट का नाम रख सकते हैं, ये तो एक बहुत ही बड़ा नाम है एक इंसान के हिसाब से नाम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज, अब वो बता रहा है इसका पूरा नाम क्या रखा है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे या फिर एमपी पुणे अगर तुम्हें शॉर्ट में बोलना है। देखो इसने इतना बड़ा नाम रख दिया अपनी कैट का, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, ठीक है फॉर एमपी पुणे बोलो अगर तुम्हें शॉर्ट चाहिए तो। एक्चुअली हिज फुल नेम, एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे है, एमपी पुणे उसको बोल सकते हो अगर तुम्हें छोटे में बोलना है तो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है इसकी, कैट की अच्छा दिख रहा है, लुक एट हिज फर, यहाँ बोल रहे हैं उसका जो फर है उसकी बॉडी पे जो छोटे छोटे बाल है उसको देखो कैसे दिख रहे हैं वो, लाइक अ लायंस मेन, मतलब जैसे एक शेर के गर्दन के बाल होते हैं सॉफ्ट, तो वैसे वो दिख रहे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉइस, अब यहाँ बोल रहा है तुमको पता है ना पल्लवा किंग्स का एम्बलम क्या था, वो बता रहा है रवि मृदु को कि शी जस्ट लुक्स लाइक दैट, यानी कि जो पल्लवा एंशिएंट पल्लवा किंग्स थे यहाँ पर तो उनकी बात कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, तो कैट को रिफर करते हुए इसकी बात कर रहे हैं, डोंट यू। तो वो क्या करता है उससे मृदु से वापस एम्फेसिस डाल के पूछता है तुमको पता है या नहीं पता है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था मृदु से, जिस पे मृदु आंसर नहीं करती है बट शी गिगल्स यानी कि शी लाफ्स। अब हम देखते हैं हमने क्या देखा था कि इसमें हमें बता रहा है रवि कि लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि तुम जानवरों के प्रति दयालु रहो, पर जब हम उनको घर में लाते हैं दयालु रहते हैं तो लोगों को ये पसंद नहीं आता। फिर वो बता रहा है कि कितना मुश्किल होता है इसके लिए दूध लाना, अभी पाती मुझ पे शक कर रही थी कि मैं ये दूध कहाँ ले जा रहा हूँ तो मुझे पीना पड़ा, अब और उसको वापस धो करके भी रखना पड़ा बर्तन को, यहाँ पर पे ये बात हो रही है कि कितना मुश्किल है। उसके बाद ये बता रहा है कि उसने अपनी कैट का नाम क्या रखा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारे पास इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उस पे आ जाते हैं। टम्बलर का मीनिंग हमने देखा था, टम्बलर वो चीज थी जिसमें वो क्या कर रहा था, वो कैट को फीड कर रहा था यानी कि जो ग्लास था उससे। नेक्स्ट पे सी पोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज में किसी चीज को डालना यानी कि उड़ेलना, उसे हम पोर बोलते हैं। मेन होता है जो गर्दन होती है उसके जो बाल होते हैं, हमने शेर की मेन देखी थी ना अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। काइंड मीन्स दयालु। नेक्स्ट हम देखते हैं फीड का मीनिंग क्या होता है, किसी भी जानवर को इंसान को आप कुछ खिलाते पिलाते हैं भोजन कराते हैं उसे हम फीड बोलते हैं। इम्प्रेस का मीनिंग होता है प्रभाव पड़ना, किस पे इम्प्रेस, कौन इम्प्रेस हुआ था, मृदु इम्प्रेस हुई। ब्रीड का मतलब होता है पैदाइश, हमने देखा था द कैट वॉज ऑफ गुड ब्रीड यानी कि वो अच्छी पैदाइश की थी। नेक्स्ट वी सी एम्बलम, एम्बलम कोई भी चिन्ह होता है या फिर कोई निशानी या प्रतीक होता है। नेक्स्ट वी सी स्क्रीम, स्क्रीम मीनिंग चीखना। क्रिएचर का मतलब होता है कोई भी प्राणी, गिगल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे आवाज निकाल के हंसना, एंशिएंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पुराना और प्राचीन बोल सकते हैं उसे, एक्सपेक्टेंटली का मतलब क्या होता है किसी चीज को लेकर के आशंवित होना, और सस्पिशियस मतलब संदेही या फिर शक करना। अब हम यहाँ देखते हैं जो इसके क्वेश्चन आंसर है सेकंड पैसेज के, व्हाट काइंड ऑफ हेयर डज द किटी हैव, हेयर कैसे थे, लाइक द लायंस मेन, कैसे थे, लाइक द लायंस मेन, हमने कैसे बाल देखे थे किटी के, लाइक द लायंस मेन। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड मतलब बहुत ही पुराने समय का, वो हमने कौन सा वर्ड देखा था, एंशियंट देखा था हमने यहाँ पर थे, एंशियंट एम्बलम ऑफ पल्लवा किंग्स, तो इसका क्या हो गया, इसका वर्ड हो गया एंशियंट। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई वाज मृदु इन्फ्लुएंस, बिकॉज शी हर्ड रवि नेम द कैट एज महेंद्रन,
ये इसका आंसर हो गया। जब उसने देखा कि वो कैट को किस प्रकार से नेम कर रहा है एज अ रियल लाइफ पर्सन, तो वो काफी इन्फ्लुएंस या इंप्रेस थी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस लिटिल किटी? अब हमने देखा था इस पूरी लिटिल किटी का नाम क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुणे, ये नाम रखा था उसने कैट का, ये पूरा नाम है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी उसकी स्टोरी मृदु की। मृदु जाती है अपनी चाची के घर, जहां पर पे वो अपने कजन्स भाई बहनों से मिलती है, और उसे पता चलता है कि घर में एक बिल्ली ले आए हैं जो कि सुबह इनके बाहर घूम रही थी। बिल्ली भी बहुत छोटी सी, बिल्ली का बच्चा था वो, और हमें ये पता है कि पाती को ये बिल्ली नहीं पसंद, और अगर पता चल गया कि बिल्ली घर में है तो वो घर छोड़ के मामा के घर चली जाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने बिल्ली को कहाँ छुपा रखा है, फुटबॉल के अंदर। इसके बाद हमने देखा था किस टाइप से वो उसे फीड कर रहा था, खाना कैसे खिला रहा था, कितनी मुश्किल से, कितनी समस्या और ट्रबल्स आ रही थी। फिर हमने देखा कि उसने उसका नाम क्या रखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करेंगे फर्स्ट पार्ट में, इसका नेक्स्ट हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।